दोस्तों सलार फिल्म से एक बार फिर से प्रभास ऑडियंस के दिलों में जगह बना लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी आई और ब्लॉकबस्टर हुई। मूवी का कलेक्शन भी बहुत तगड़ा रहा है। मूवी 600-700 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और डंकी के साथ इस मूवी का क्लैश था। इसके बावजूद भी मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिलहाल तो प्रभास की मच अवेटेड मूवी अपकमिंग मूवी कल की 2898 AD आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पहले ही बता दिया गया था कि ये मूवी 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज होने वाली है। प्रभास के साथ इस फिल्म में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली है। साथ ही इस फिल्म में दिशा पठानी भी रहेंगी। उनका इस फिल्म में कैमियो रहेगा या फिर कैमियो से ज्यादा सीन रहेगा, ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वही फिल्म में दो एक्टर और है, महानायक अमिताभ बच्चन और साउथ के एक्टर कमल हासन। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बार होगा जब कल की 2898 AD में कमल हासन अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आने वाले हैं। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि कल की 2898 महाभारत पर बेस्ड होगी, मतलब कि महाभारत की स्टोरी इस फिल्म में कुछ दिखाए जाएंगे। वहीं प्रभास का इस फिल्म में नया अवतार भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर फिल्म की अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों, कल की मूवी को पहले प्रोजेक्ट के कहा जा रहा था, जो कि फरवरी 2022 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब फिल्म की शूटिंग पर भी रोक लगा दिया गया। लेकिन अब ये फिल्म की जो है शूटिंग शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। अगर फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो दोस्तों, कल की 2898 AD फिल्म का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है। वैसे तो प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का भी बजट 600 करोड़ था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, अच्छा परफॉर्म भी नहीं की। फिल्म में जो डायलॉग्स वगैरह डाले गए थे तो इस वजह से काफ़ी ट्रोल किया गया डायरेक्टर को और मूवी भी कुछ खास नहीं थी। बाकी जो VFX दिखाया गया था वो एनिमेशन लग रहा था, कार्टून टाइप का लग रहा था और जो है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। हालांकि मूवी ने पहले दिन और दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक मूवी ने बहुत अच्छा खासा कलेक्शन किया था, लेकिन उसके बाद ये फिल्म फ्लॉप चली गई। फिलहाल तो सलार फिल्म के बारे में बात करें तो दोस्तों, सलार फिल्म में दो दोस्तों की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मूवी के लास्ट में उनकी दुश्मनी भी दिखाई गई है। मूवी के लास्ट में वो दोनों दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं और इसके सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन बचता है या फिर सलार यानी कि प्रभास कौन मरता है सेकंड पार्ट में। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऑडियंस ने भी अगर सलार मूवी देखी है तो उसके सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। बल्कि 2898 AD का जब टीज़र रिलीज़ किया गया था तो ऑडियंस को ये टीज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया था और टीज़र में हमें बहुत कुछ दिखाया गया था, खासकर अमिताभ बच्चन का लुक और उनका रोल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वहीं अब इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि कल की 2898 AD का ट्रेलर कब रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि मूवी को रिलीज़ होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मूवी 12 जनवरी 2024 को ही थिएटर में रिलीज होने वाली है। जैसे अगर प्रभास की फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं कि सलार मूवी का जो कलेक्शन दिखाया जा रहा है वो फेक है और तो और सलार मूवी की कॉरपोरेट बुकिंग भी हो रही है, जो कि काफ़ी इंसल्ट वाली बात है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह ये चीज़ दिखाया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जाकर थिएटर में वीडियो बना रहे हैं कि सलार का जो है बुक माय शो पर दिखाया जा रहा है कि हाउसफुल है, टिकटें भी नहीं बची हुई हैं और जो है दिन रात जो है इसका हाउसफुल है रात के 11-11 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें जो है फेक दिखाई जा रही है कि सही है, फेक है, रियल है, तो बहुत सारे इस पर सर्च भी कर रहे हैं, तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मूवी बहुत चलेगी, एक हफ्ते तक चलेगी, दो हफ्ते तक चलेगी, उसके बाद जो है पता चल ही जाएगा कि मूवी का कलेक्शन कितना है, क्योंकि ऑडियंस सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पब्लिक ही सब कुछ होती है। अगर पब्लिक फिल्म को पसंद करे तो वो लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे और मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक फिल्म को पसंद नहीं कर रही है तो थिएटर जो है कितना भी हाउसफुल रहे, कितने दिन तक रहेगी, उसके बाद तो पता चल ही जाएगी कॉरपोरेट बुकिंग हो रही है या फिल्म का कलेक्शन फेक है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फिल्म आपको पसंद आई है तो आप लोग फिल्म को देखने जाएंगे, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़िया होगा, लेकिन आप लोग फिल्म पसंद नहीं करेंगे तो वो फिल्म हिट भी नहीं जाएगी, फ्लॉप जाएगी। फिलहाल तो कल की 2898 AD की फिल्म को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर इसके ट्रेलर का। तो दोस्तों, प्रभास की अपकमिंग मूवी कल की 2898 AD और प्रभास की फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।